सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सारा। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो हमने देखा है ऑटोमेशन फॉलो सेरिट, इसका फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन देख लिया। अभी मैं इसको बाईपास करता हूँ, क्योंकि इसको बाईपास करके रखने ठीक ठाक रहेगा। ये जो बटन है, इसको कहते हैं मिरर्ड मिड एडिटिंग। देखिए, मिरर्ड मिड एडिटिंग। तो ये मिरर्ड मिड एडिटिंग कब आपको चाहिए? जब मान लीजिए मीडी को लेकर जब आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई एक मीडी मैं लेता हूँ, मीडी ट्रैक, जैसे कि मीडी ट्रैक एक ले लिया, और यहाँ पे कुछ नोट मैं तैयार कर रहा हूँ, कुछ भी पेंसिल टूल दे के या फ्री हैंड कुछ दे के। हाँ, यहाँ पे एक किया है, जूम करते हैं, यहाँ पे एक किया है। हाँ, ऐसा कुछ करते हुए हम गए। यहाँ से जब ये बजेगा, तो ये जब बज रहा है, आपको सेम चीज़ किसी दूसरी जगह में आपको बिठा के से इसको कॉपी करना है। तो क्लिप बना दीजिए, क्लिप को कॉपी करके जस्ट जैसे पहले से हम लोग कॉपी करते थे, सी दबाते हुए इस कॉपी होता है। तो इस क्लिप को सिलेक्ट किया, सी दबाया, और यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे इसको पेस्ट किया, यहाँ पे भी इसको पेस्ट किया। कब होता है? जब कोई रिदम लूप हम लोग बनाते हैं रिदम के जरिए, या कोई म्यूज़िक फ्रेज बनाते हैं, म्यूज़िक का फ्रेज होता है, कुछ आर्पेजिएटर होता है उसको बनाते हैं, तो उस टाइम हम लोग मीडी के एक ही मीडी हम लोग बनाते हैं और उसको हर जगह पे हम लोग पेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे करते करते आपको अचानक लगा कि यहाँ पे जो नोट है थोड़ा सा नोट गलत लगा है। तो मान लीजिए ऐसा बहुत सारे नोट को आपने यहाँ पे बहुत सारे नोट आपने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर चुके हैं, गाना ख़त्म होने वाला है। इस ऐसी हालत में आपको लगा कि एक यहाँ पे जो नोट लग रहा है, ये वाला ये नोट थोड़ा गलत लग रहा है, इसको तो इसको थोड़ा सा चेंज करने से आपका प्रोडक्शन और भी अच्छा होगा, या ट्यून को आप ठीक ठाक से डिस्क्राइब कर पाएंगे। मतलब आपका जो म्यूज़िक है, थोड़ा सा म्यूज़िक में गलत नोट लग गया है, इसको ठीक करना चाहते हैं। 1,500 अगर क्लिपिंग रहेंगे, सबको अगर ठीक करने जाएंगे एक एक करके, तो आपको टाइम लग जाएगा। तो उस मामले में आपको ये मिरर्ड मीडिया एडिटिंग जो है, ये आपको काम आएगा। देखिए, जब अब ये बंद है, इसको अगर मतलब अब ये ऑफ है, इसको अगर ऑन करेंगे तो ऐसा ब्लू शेप आएगा। अभी इसको अगर नोट के हिसाब से देखा जाए, तो इस नोट को आप चेंज करना चाहते हैं, इसको आप ऊपर वाला नोट में मतलब लेना चाहते हैं। मैं इसको और भी थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसको आप इधर लेना चाहते हैं, नहीं तो इधर लेना चाहते हैं, तो ऐसे ही आप इसको स्लिप कीजिए, यहाँ पे उठा दीजिए। जैसे यहाँ पे उठाएंगे, इसका पीछे जितने सारे मीडी फाइल था सबका नोट लेकिन एक एक करके देखिए ऊपर उठ गया है, इसके ऊपर चढ़ गया है, देख लिया आपने। तो एक को चेंज करेंगे, जितने सारे हैं सब चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर ये ऑफ रहेगा, इसको चेंज करेंगे तो सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी लेकिन चेंज नहीं होगा। इसे कहते हैं मिरर्ड मीडी एडिटिंग। ये आपके लिए जब मीडी प्रोग्रामिंग करेंगे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको ज़रा ध्यान से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो देखिए ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो चलिए, इसके बाद वाला और क्या है उसे देखते हैं।